Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. भैंसे की कदकाठी वे कीमत देखकर और सुनकर आप निश्चित रूप से चौंक जाएंगे। हर्षपुष्ट इस भैंसे की कीमत 23 करोड़ रुपए आंकी गई है। यह बात और है कि इसका मालिक इन्हें बेचने के लिए तैयार नहीं है, भले ही कीमत कुछ भी हो। मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय कृषि मेले में आया यह भैंसा सभी के आकर्षण का केंद्र है। कृषि भूमि का शुभारंभ कृषि राज्य मंत्री सूर्य प्रताप शाही व बलदेव सिंह द्वारा किया गया है। यह मेला 18 अक्टूबर को संपन्न होगा। आइए पहले दिखाते हैं वह भैंसा जिसकी कीमत 23 करोड़ रुपए बताई गई है। अनमोल भैया, एक मिनट भैया, भैया तेईस करोड़ है। 23 करोड़ कितना? और तू भी आ जा, खर्चा बेच के तेरा की होगा। अरे यार भाई, मेले में आए इसके मालिक ने मीडिया को यह जानकारी दी। भाई पहले आपका ऑल इंडिया कैटेगरी से आने जाना चाहेंगे, देखते हैं कि ये पीछे भैंसा है, कौन सी प्रजाति का भैंसा है, क्या इसकी वजन होगा, कितनी इसकी आयु, क्या इसकी कीमत। पहले तो मेरा जो सभी यूट्यूब फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भाई देख रहे हैं उनको हमारा नमस्ते। हमारा नाम पलविंदर गिल, गांव वासू, जिला सिरसा, पंजाब बॉर्डर पे आ गया। इसी बुल का नाम है अनमोल है जी। ये 29 का बच्चा है, ये 4 बार चैंपियनशिप में फर्स्ट आ चुका है। जो इसकी माँ का मिल्क रिकॉर्ड है वो 25 लीटर 121 ग्राम है। इसकी बेटी का फर्स्ट म्यांत में 21 किलो 6 ग्राम हमने चुवाई करा दी है। तो ये 29 का बेटा है जी। हाँ जी, वो असार यूनिवर्सिटी HLD में था। उसके जितने भी बच्चे आए हैं वो सभी एक नंबर ही आए हैं। हाँ जी, इसकी उम्र 8 साल हो गई है। इसकी कितनी कीमत? इसकी पुष्कर मेले में 2 बार 23 करोड़ रुपया लग गई, पर हम इसको बेचेंगे नहीं। तो 23 लगे 50 लगे, पर 1 लाख लगे, हम इसको बेचना तो नहीं है। हम इसके ऊपर ब्रीडिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, ब्रीडिंग के काम कर रहे हैं। इसका हम सेवन जी एक दिन में कम से कम 15-20 ऐसे निकल, महीने का 1-1.5 लाख चला जाता है। किस तरह से सेल करते हैं? ऑनलाइन करते हैं? ऑनलाइन हमारे घर से जाते हैं, डॉक्टर आ जाते हैं, जहाँ कोई ज्यादा डोज मांगे 100, 150, 200 फिर हम वहाँ पकड़ा आ जाते हैं। बादाम कितने खिलाते होंगे? इसके बादाम खिलाते हैं जी कम से कम 200 ग्राम 300 ग्राम एक दिन में। और इतनी इतनी काजू और अंडे और दूध इनको मिक्स करके खिलाते हैं। इसकी डाइट में छोले हैं जी, मक्की, सोयाबीन, सरसों, जिसका हम दलिया बना कर इसको खिलाते हैं। हमारा खेती का काम था ये। अब मैं तो स्टडी कर रहा था, BA में हूँ, अभी MA में दाखिला करा है। मेरे फादर साहब ने इनकी देखभाल किया और मेरी मदर ने, ज़्यादातर हमारे घर में मेरी मदर ही इसको देखभाल करती हैं। हाँ जी, मेरे फादर साहब खेती करते हैं, मैं हम स्टडी करते हैं, हम दो भाई हैं। हाँ, वो आए हैं, वो खाना खाने गए हैं जी। हाँ जी, हाँ जी, अपने भाइयों की तरह रख रखा है। इसका 15.5 kg है। खासियत ये ऐसे है, इसका दूध प्रोजेक्ट सही आ रहा है। जो भी बच्ची इसका दूध देती है 17+ दे रही है, 17 से ऊपर ही जा रही है, अभी तक नीचे कोई नहीं आई है। 17 लीटर से ऊपर जा रही है। हाँ जी, इसकी जो फर्स्ट टाइम का जो रिकॉर्ड है ये, जो सेकंड है क्या, वो तो 20 के ऊपर 22 भी चला जाता है। इसकी दो झोटियों ने 21 किलो 6 ग्राम फर्स्ट टाइम ही निकाल दिया था। अब हमारे पंजाब में धनौला मेला में मेला लगेगा पंजाब में, उसमें हम डालेंगे इसके बच्चों को। ठीक है, आपका दावा है आपका 23 करोड़ का है। ऐसे सर जी, सर जी दावा तो ऐसे करते हैं, पहले नहीं हमें बोला, कहीं भी जाकर यूट्यूब निकालो, जब वो बात होगी हम वो ही बोलेंगे।
ऐसे नहीं है कि हम बोल दिया कि बस ठीक है, जब पूरे प्रूफ से बोलते हैं। पुष्कर में कभी वीडियो निकाल के देख लो, एक आदमी चोरी आके लगाया था तंबू में पैसा, हमारे यहाँ डेरी किया था, एक ने शरेआम लगाया था। हम यही काम करते हैं कि जो चुपचाप काम हो वही काम है, जो दुनिया को दिखा के वो काम नहीं होता। आप जो अलग अलग मेलों में जाते हो तो उसकी क्या वजह मानते हो? हम एक तो ये कॉम्पिटिशन के लिए, ते जो बाकी मेलों में कंपनी लड़ने के लिए और लोगों को जानकारी आ जाए और इसको पशुपालन को ज़्यादा को बढ़ावा मिले, पशु सुधार। हाँ जी, बाकी वो बोला है सभी अलग अलग ब्रीड के हैं, कोई किसी के किसी के, ये अलग अलग रेट लगते आए हैं लगते रहेंगे। हाँ जी, थैंक यू सर। मेले में भाग लेने आए कृषि राज्य मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मीडिया से यह कहा। और क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय ये तीन दिन अखिल भारतीय मेला और कृषि उद्योग प्रदर्शनी का आयोजन यहाँ पर किया गया, जिससे हमारे किसान भाई कृषि उद्यमिता को भी देखें और उनको समृद्धि भी की ओर आगे बढ़े, उस दृष्टि से विभिन्न योजनाओं और जो यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं उनके माध्यम से उनको जानकारियां प्राप्त हो सकती है। भारत सरकार और राज्य सरकार से किसानों के हित में चलाई जाने वाली योजनाओं की जानकारियां भी उनको दी जाएंगी, क्योंकि रबी का मौसम चल रहा है और रबी उत्तर प्रदेश के खेती बाड़ी की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण रबी के मौसम की फसलों को लगाए जाने का समय होती है, तो उसके ऊपर भी किसानों को जो है अच्छी जानकारी उनको वैरायटी के बारे में, बीज शोधन के बारे में, किन समय के भीतर उसको लगाएं, क्या क्या उसके भीतर उपयोग करें, कैसे ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाए जाने की कोशिश करें, पराली के अवशेष को न जला करके खेती में उपयोग करें, उसके लिए कृषि यंत्र भी यहाँ पर लगाए गए हैं, तो उनको देख करके किसान जा करके वो खेती बाड़ी को गति दे सकेगा। अभी हमने उनको ये बताया है कि इस समय राज्य के भीतर हमने कृषि यंत्रों के पोर्टल को खोल रखा है, 23 मई तक खुला हुआ है और 50% अनुदान पर वो कृषि यंत्र किसान भाइयों को उपलब्ध होने वाले हैं। 10,000 रुपए तक के अनुदान वाले कृषि यंत्रों पर कोई टोकन मनी जमा करने की जरूरत नहीं है, शेष के लिए 1,00,000 रुपए तक 2,500 रुपए एडवांस उनको जमा करना पड़ता है और 1,00,000 के ऊपर के लिए 5,000 रुपए। लास्ट ईयर भी यही अमाउंट था और किसान भाई यदि उस योजना का लाभ उठाते हैं तो उनके सस्त दरें पर उनको कृषि यंत्र उपलब्ध हो सकेंगे, इस नाते उनको एक जानकारी ये मिल गया। इसी प्रकार से कुसुम सोलर पंप, जिसको भारत सरकार और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार दोनों मिल करके 60% अनुदान खुद वहन करती है और 40% किसान का अंश होता है, तो 40% अनुदान पर उन्हें सोलर पंप उपलब्ध कराए जाने के लिए लगभग 40,000 सोलर पंप के लिए पोर्टल खुले हुए हैं और किसान भाइयों से आग्रह है कि इस सुविधा का वो लाभ उठाएं, दीपावली के पहले वो इसके भीतर आवेदन पत्र दे दें, जिससे कि रवि के भीतर हम कोशिश करें कि उनकी सिंचाई व्यवस्था उसके माध्यम से। पर कुछ जिलों में देखें डीएपी की क्राइसिस बनी हुई है, नहीं कहीं कहीं क्राइसिस नहीं है, राज्य के भीतर 3,00,000 मेट्रिक टन से ज्यादा अभी डीएपी है और इससे इतने ही के करीब हमारे पास एनपीके है, 6,00,000 मेट्रिक टन से ज्यादा लगभग 9,00,000 मेट्रिक टन हमारे पास फॉस्फेटिक पाइपलाइन है और वो एनपीके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सुपर फॉस्फेट का भी कर सकते हैं, जहाँ जैसी आवश्यकता है दलहन तिलहन के लिए सुपर फॉस्फेट भी लगाया जाना ज्यादा उपयुक्त होगा, बाकी गन्ने के लिए एनपीके ज्यादा उपयुक्त है, डीएपी गेहूं के फसल के लिए है, अभी तो कटाई मड़ाई के कार्यक्रम शुरू हुए हैं और पर्याप्त मात्रा में हमारे पास फर्टिलाइजर की दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, एक चीज बता दीजिए, चुनाव का बिगुल तो बच चुका है, चुनाव होने जा रहे हैं, क्या लग रहा है सर चुनाव को लेकर? सब बीजेपी जीतेगी, कमल के फूल खिलेंगे। अच्छा, अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि इस बार को हम रोक देंगे, वो तो दावा अभी अपनी पीडीए की सरकार बनाने का कर रहे थे, उनके दावा तो टाएं टाएं फिस हो गए, अभी हरियाणा के भीतर भी यही दावा था, तो दावा करना एक बात होती है और जीत करके आना दूसरी बात होती है। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा को भी जीता, भारतीय जनता पार्टी ने भारत सरकार बनाए जाने के लिए लोकसभा के चुनाव को भी जीता और उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा को भी जीता, उस समय भी वो कहते थे कि योगी नहीं। अच्छा, कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी, लेकिन योगी लौट करके आए और
46 वर्षों के बाद यह अवसर मिला कि एक मुख्यमंत्री दोबारा जनादेश लेकर के आया, ये सौभाग्य योगी आदित्यनाथ। सर जम्मू कश्मीर के नतीजों से कितने आप? देखिए, जम्मू कश्मीर के नतीजे भी भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल में है। हमारी सीटें बढ़ी हैं, हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा हुआ है और हमने तो जो है वो धूप पर पत्थर उगाने के काम किए हैं वहाँ पर, इसलिए आपको उसकी सराहना करनी चाहिए। अच्छा सर, एक सवाल मेरा है कि राहुल गांधी भी तो आएंगे ना, कह रहे हैं कि दो लड़कों की जोड़ी फिर चुनाव में आएगी, दोनों इस बार घेर लेंगे बीजेपी को, पश्चिम में माहौल बदला है। जब जनता ने उसको खारिज कर दिया है, अभी हरियाणा में किया है कि नहीं खारिज किया है, तो पश्चिम से सटा हुआ ही है ना, क्यों नहीं खाता खुला उनका? कांग्रेस पार्टी की तो सत्यानाश हो गया वहाँ पर और समाजवादी पार्टी को कुछ मिला नहीं, तो ये जाते हैं ऐसे हवा बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए, लफाजी के आधार पर झूठ फरेब वादों को करके चुनाव नहीं जीता जा सकता। इन लोगों ने 50 साल देश के ऊपर शासन किया है, अकेले उत्तर प्रदेश में 5 बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, जो कहर उन्होंने गिराए हैं कभी किसान उसको भूल नहीं सकता, कभी यहाँ की जनता नहीं भूल सकती, किस तरीके से राज्य की हालत खराब थी, बीमारू राज्य में आता था उत्तर प्रदेश, उसका श्रेय समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी को जाता है। आज बीमारी राज्य से निकाल करके प्रगतिशील राज्यों की ओर बढ़ने के दिशा में आज उत्तर प्रदेश तेजी से आगे की ओर बढ़ा है। सभी योजनाओं में हम आगे की ओर जा रहे हैं, कृषि उत्पादन में भी हम देश के भीतर आज नंबर 1 पर हैं, गन्ना उत्पादन में भी हम नंबर 1 पर हैं। हमारी ये प्रयास है कि हम इसको और आगे बढ़ाएं और देश को आत्मनिर्भर बनाए जाने के मोदी जी के संकल्प को पूरा कर सकते। नहीं, हमको उनको सलाह देने की जरूरत नहीं है, वो राष्ट्रवादी ताकतों के सलाह को नहीं मानते, वो विघटनकारी तत्वों की सलाह को ज्यादा मानते हैं, जो देश को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में जो लाल काम करते हैं लोग, उनकी सलाह वो ज्यादा मानते हैं। इस अपडेट में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।